हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ पूर्णिमा वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल पूर्णिमाज बिट्स एंड बाइट्स। हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज मैं बॉटल का रीयूज़ करूँगी, प्लास्टिक बॉटल का। तो ये मेरे पास कुछ क्लिनिक प्लस के बॉटल्स हैं। अब जो भी कलरफुल है इसीलिए मैंने इसे ले लिया है, और ये एक गुलाब जल का बॉटल है तो मैं आज इसी का यूज करूँगी। तो पहले इसके इस तरह से ये सब निकाल लेना है और अच्छे से इसे साफ कर लेना है। मैंने ये कुछ करके रखे हैं, इसके अपर और लोअर पोर्शन को काट लेना है और फिर इस पर इस तरह फ्लावर्स ड्रॉ करके फ्लावर्स कट कर लेना है इस तरह। इस तरह आगे के चारों ओर घुमा लेना है। पीछे हमें ऐसे छोटे छोटे होल्स कर लेने हैं। ये एक प्लास्टिक बॉटल की कटिंग है तो इसे मैं पतले पतले ऐसे स्ट्राइप काट लूंगी। इस तरह पतले पतले स्ट्राइप्स काट लूंगी। इस तरह कर लेना है। मैंने ये बॉटल की पतले पतले स्ट्राइप्स कट करके उसमें ग्रीन कलर कर लिए हैं। ये बॉटल की अपर पोर्शन में भी मैं ऐसे स्ट्राइप्स कट कर ली हूँ। तो अब मैं इसमें पतले पतले कट्स लगा लूँगी। इस तरह अब इसके अंदर ये एक फ्लावर जो मैंने पीछे होल्ड किया था उसके अंदर ये डालूँगी। और सोल्डरिंग आयरन से बस इस तरह बना दूंगी। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के फूल। तो मैं सभी फूलों को करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये फूलों को मैं इकट्ठा कर ली हूँ। अब मैं इसे एक छोटी सी टी पॉट पर रख दे रही हूँ। अब किसी किसी फूलों के ऊपर मैं वाइट कलर लगा लूँगी इस तरह से। किसी किसी में येलो, आपका जो मन करे आप वो कलर लगाइए। कुछ कुछ लाल लगा दूंगी। मेरे कलरफुल फ्लावर्स तैयार हैं। आप भी ऐसे फ्लावर्स को बनाएं और अपने घर को सजाइए।
ये देखने में बहुत ही सुंदर है। मैंने इसे एक छोटे से पॉट पे रखा है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छे लग रहे हो तो अपने इस नए दोस्त के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।